हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और हम आ चुके हैं यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल। तो इससे पहले वाला व्लॉग आपने देखा था, हमने दीदी के घर गए थे, आंटी जी ने सिंधी खाना बनाया था, बहुत यमी था। तो बस अभी हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल, बस दीदी के घर के पास में है। तो मेरे काफ़ी टाइम से मन था इस्कॉन टेम्पल जाने के लिए, तो मैंने दीदी को फ़ोन किया था। तो कहती ठीक है तो मेरे घर भी आ जा। जैसे आपको पता है मेरी बड़ी दीदी की फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है, मतलब बचपन से जानते हैं। तो बस ठीक है, अब हम चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए फर्स्ट और टाइम आपको भी मैं भी दर्शन इसके करते हैं। बहाने आके देख रही हूँ। हाँ नहीं, और मुझे भी अच्छा लगा। और मतलब देखो क्या, मैं अकेले आने का सोच रहा था और मुझे नहीं पता था आपके साथ आना पड़ेगा यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए फिलहाल चलते हैं अंदर दर्शन करने और आपको भी कराते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है, देखिए बाहर से इस्कॉन टेम्पल रोहिणी वेस्ट में है। तो रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन से आप जैसे उतरोगे तो वहाँ पे आपको क्या कहते हैं शेयरिंग रिक्शा मिल जाएंगे। तो वैसे अभी हम आए हैं तो हमें 50 रुपीज़ चार्ज के हमने पर्सनल किया था। तो ये देख लीजिए आप बाहर से, और वो जा रही हैं हंसा दी। तो यहाँ पे भी हमने उतारने हैं जूते, बाहर उतारेंगे तो रिस्की है ना। तो फ्रेंड्स ये है यहाँ से एंट्रेंस और अभी हम करने जा रहे हैं एंटर। तो वाओ काफी अच्छा, और यहाँ पे काफी मिठाइयाँ मिठाइयाँ भी दिख रही हैं, मस्त एकदम। ये देखिए यहाँ पे एंटर करते हैं, आप यहाँ से आके परचेज कर सकते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कितने का पैसा? 100 पैसा भी 100 के है, ये 50 के हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ आओगे, यहाँ पे विजिट करोगे तो ये आपको 50 रुपीज़ का पड़ेगा, ये 100 रुपीज़ का है, और ये 150 का है। ओके, और ये लड्डू 100 के। तो ये सारे होममेड है, आप लोग ही बनाते हो कि मतलब कोई हलवाई वगैरह? ठीक है, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स अब हम करने जा रहे हैं अंदर एंटर, और ये एकदम नया ओपन हुआ है, वाओ ये आप देख सकते हो। और ये लड्डू गोपाल, अच्छा हाँ मुझे याद आ गया, मुझे किसी ने बोला था लड्डू गोपाल का, पूछ के आना अगर आप रीजनेबल हुए तो प्लीज ले आना। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे, और ये पाव भाजी मिल रही है 80 रुपीज की प्लेट। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं ऊपर, वाओ ये तो बड़ा अच्छा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अब आ चुके हैं अंदर, अच्छी आ रही है ठीक है, अच्छा खींचो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम अंदर आ चुके हैं, बहुत अच्छा हमें अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा से आठ बहुत हुआ पड़ा है। चलिए चलिए आ जाओ भैया, कोई बात नहीं है, चलो ठीक है आप खींच दो, खींच दी। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था वीडियो सेटिंग में, हम इस्कॉन टेम्पल आ चुके हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा आर्ट वर्क हुआ पड़ा है। और ये जो स्टेयर्स हैं मतलब ऐसा लग रहा है किसी होटल में आए हैं, तो बहुत अच्छा। तो प्लीज़ आप यहाँ पे जरूर विजिट करना। और ये जो इस्कॉन टेम्पल है ये है रोहिणी वेस्ट में, और रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन के आपके पास में पड़ेगा। तो और ये अभी नया नया न्यूली ओपन हुआ है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं भगवान जी के, कृष्ण जी के, और आपको जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स अभी जैसे आपने देखा मैं नीचे ब्लॉग बना रहा था, तो सॉरी मैं माइक लगाना भूल गया था, उसमें आवाज़ कम आ रही थी तो मैंने इसलिए माइक लगाया। तो जैसे मैंने आपको बताया एकदम होटल की तरह बना हुआ, और ये देखो इसमें जो आर्ट वर्क हुआ पड़ा है एकदम मस्त। और प्लीज़ आप यहाँ पे ज़रूर विजिट करना। तो हम चलते हैं अभी दर्शन करने और आपको भी करवाते हैं भगवान जी के दर्शन करने। जय श्री कृष्ण। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे है बाहर का व्यू, कितना मस्त लग रहा है। और कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? आपने तो टीका शीका लगा लिया। सही है, मस्त एकदम। देखो फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है इस्कॉन टेम्पल यहाँ पे, कितना बड़ा है ये, काफी बहुत बड़ा है इधर। चलिए फ्रेंड्स आप चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। फाइनली कब से बोल रहे हैं दर्शन करने दर्शन करने, दर्शन तो कर ही नहीं रहा है। और ये देखो कितना अच्छा है यहाँ पे स्टेयर्स बनी है, कितना काफी बड़ा है ना ये, है ना। चलो हाँ फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। जैसा कि आपको हम बोलते जा रहे हैं लेकिन वो लोग कहेंगे, ऑडियंस कहेंगे हमें दर्शन तो कराए नहीं रहे, अब ये दर्शन कराई जा रहे, अपनी अपनी शक्लें दिखाई जा रहे सुंदर सुंदर। तो चलो चलते हैं, अब मंदिर के करीब आ गए तो ज्यादा मैं बोल नहीं सकूंगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, और ये देखो यहाँ पे अभी काम चल रहा है क्योंकि अभी नया नया बना है। तो अब हम जा रहे हैं फाइनली अंदर। चलिए फ्रेंड्स अब हम अंदर एंटर करने जा रहे हैं। ये देखिए बहुत अच्छा बना हुआ है ये, वाओ कितना ब्यूटीफुल है यार, कितना सुंदर बना हुआ है। वाह चलिए फ्रेंड्स हम पास में चलते हैं और आपको दर्शन करा देते हैं।
हाथ यहाँ पर यहाँ हवा आ रही है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, ठीक है, आप देखिए, आप दर्शन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपने वहां पे दर्शन कर लिए थे, अब हम जा रहे हैं यहाँ से बाहर। ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे कितना अच्छा है हंसा जी, कितना अच्छा आर्ट वर्क हुआ पड़ा है यहाँ पे, अच्छा है ना, बहुत ही अच्छा है। ये देखो फ्रेंड्स, ऐसे इसी महल में आ गया, एकदम कृष्ण जी के महल में। फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये टाइमिंग्स लिखे हैं आरती के, ठीक है, फटाफट झट से पढ़ लीजिए इससे पहले कि देर हो जाए। और काफी सुंदर बना हुआ है, चलिए ये आर्ट वर्क कितना अच्छा है ना, कितनी कैसे वहां कैसे मेहनत से बनाया है ना इन्होंने, चलिए। फ्रेंड्स हमने कर लिए हैं दर्शन, और क्या कहते हैं आप लोगों ने भी दर्शन कर लिए होंगे, तो बहुत अच्छा बना हुआ है ना, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत मस्त, बहुत सुंदर बना हुआ, और एकदम शीश महल जैसे महाराजा महाराजा, ऑब्वियसली राजा महाराजा है वो। तो चलिए चलते हैं नीचे, थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। वो क्या करते हैं, खिचड़ी विचड़ी कहाँ मिलती है वो तो बताओ, भगवान जी के दर्शन तो कर लिए, कुछ भोजन ग्रहण भी तो करें हम। नहीं ये बहुत अच्छा था फ्रेंड्स, आप यहाँ पे जरूर जरूर विजिट करना, ठीक है। तो वैसे तो सभी रिलीजियस प्लेस अच्छे होते हैं, जस्ट कि थोड़ा आर्ट वर्क वैसा उन्होंने कर रखा है ना, वो बात कर रहे हैं ना। चलिए नहीं 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 मैंने नहीं खाना। तो फ्रेंड्स आप आओ देखो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कहते हैं पाव भाजी की प्लेट है 80 रुपीज, यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, तो आप आके यहाँ पे विजिट कीजिए और पे कीजिए और खाइए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्टॉल्स लगे पड़े हैं, आप देख सकते हो छोले कुलचे 60 रुपीज के। अच्छा लड्डू, ठीक है, राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरे कृष्ण बोलेंगे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी माता जी। अच्छा तो प्रभु जी, इनको क्या बोलोगे? प्रभु जी बोलते हैं लड़के को, प्रभु जी बोलते हैं, तो हरे कृष्ण एक बार बोलना मेरे को, हरे 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 कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी बोलते हैं। हाँ तो मेरे को प्रभु जी बोलते हैं वो,
ये मैंने भी देखा ये चीज। वाह सही है। चलो अरे वो कहाँ पे है क्या टोकन? ताश की पत्ती भीगी जिसने। चलिए फ्रेंड्स आप देख लीजिए जाते जाते एक बार इस्कॉन टेम्पल जहाँ पे हम पीछे तक नहीं गए हैं। अच्छा नहीं पीछे तो वो मंदिर ही था। हाँ ठीक है वो मंदिर ही था। हाँ तो फ्रेंड्स फाइनली अब हम आ चुके हैं बाहर, दर्शन कर लिए हैं और आपने भी दर्शन करें। कैसा लगा आपको दर्शन करके बताइए। प्रभु जी मैं हूँ और आप क्या बोला था? नहीं नहीं उन्होंने जो बोला था मैम ने, वो जो गार्ड वो खड़े थे, जय श्री कृष्ण माताजी। माताजी हाँ उनको मेल को प्रभु जी बोलते हैं और फीमेल को बोलते हैं माताजी। तो ठीक है फ्रेंड्स हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मैंने तो कोशिश करी पूरा कवर करने के लिए लेकिन पूरा कवर नहीं हो पाया, कोई बात नहीं एक दिन अच्छे से आके दोबारा कवर करूँगा। तो बाय बाय टेक केयर और फिर मिलते हैं आपसे बाद में, ठीक है बाय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण तो बोलो। चलिए बाय।